अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज अहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहसन नॉलेजी फॉर टेक। और भाई आज ये साइड वर्क क्या पड़ा हुआ है जिसका इंतज़ार मैंने काफ़ी टाइम से किया था, ये वो पड़ा हुआ है। तो भाई मैं अपने चैनल के ऊपर 15 प्रो मैक्स का अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिखाना चाह रहा था, लेकिन ये फ़ोन मार्केट से बिल्कुल ही गायब हुआ हुआ था। और ब्लू कलर मिल रहा था, लेकिन मुझे चाहिए था तो सिर्फ टाइटेनियम कलर चाहिए था, नहीं तो ब्लू कलर में पता ही नहीं चलता कि मैंने आईफोन 15 पकड़ा हुआ है या 14 पकड़ा हुआ है। तो ये फ़ोन मैंने पर्सनली यूज़ के लिए लेना था, और ये फ़ोन फाइनली मुझे ऑरेंज मोबाइल वालों ने अरेंज करके दिया है, जिनकी दुकान है सिंगापुर प्लाज़ा में, जिनका मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप इनसे रब्ता करें। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कमेंट कर कहते हैं भाई कि आपने प्राइस नहीं लिखी हुई वीडियो के नीचे, आपने उनका नंबर नहीं दिया हुआ। तो भाई नंबर थोड़ा मिस्टेकन मेरे से मिस हो जाता है, वो मैं नंबर डाल दूंगा, लेकिन प्राइस मैं इसलिए नहीं देता। जैसे 15 प्रो मैक्स की प्राइस कम हुई हुई है, अब ये मुझे मिला है 290 का। इसी तरह कभी मैं आपको प्राइस कुछ और बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं कोई और प्राइस लिख दूँ, इसलिए मैं प्राइस बताता ही नहीं हूँ। तो नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप खुद कॉल करके अमार भाई से पूछ लीजिएगा। तो ये फ़ोन उन्होंने मुझे फाइनली एक आ गया, मैंने पर्सनली यूज़ के लिए लेना था, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं फ़ोन को ले जाएं। तो भाई ये हमारे चैनल के ऊपर एक सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है 15 प्रो मैक्स की, तो टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते क्योंकि मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले कुछ इसका बॉक्स आ जाता है ऐसे करके, टाइटेनियम कलर, टाइटेनियम इसका जो कलर है वो है यहाँ पर नीचे 256 GB वगैरह लिखा हुआ है इस जगह पर, जो भी इसकी सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर मेंशन है। हम लोग बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स, और भाई इस चीज़ का इंतज़ार मैंने बहुत किया। अच्छा यहाँ से करते हैं, मैं गलत अनबॉक्स कर रहा था, तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ अनबॉक्स। और भाई ये पहला एक्सपीरियंस था हमारी वीडियोस के अंदर, नीचे से मैंने उतार ली थी गलती से, फिर मुझे याद आया कि क्यों ना पहले वीडियो शूट कर लूँ फिर ऊपर से उतारूँ। तो भाई बॉक्स को जब सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं, और भाई ओपन ही नहीं हो रहा, तो ओपन करते साथ हमें हमारा ये फ़ोन मिल जाता है जो कि है भाई टाइटेनियम कलर। और भाई वाह क्या मसाज है हाथ की, ओए खैर निकाल लेते हैं इसको और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ, और ऑन हो जाएगा जब तक फ़ोन हम बॉक्स में नज़र डाल लेते हैं। एक हमें टाइप सी टू टाइप सी की केबल मिल जाती है, और इसकी पेपर गाइड मिल जाती है। अच्छा दिल मेरा ये भी कह रहा है इसको यहाँ से काट के देखें, इसके अंदर वो अक्सर वीडियोस में नहीं दिखाते यहाँ से काटते हैं अंदर पाउच होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, इसको साइड पर कर लेते हैं। फ़ोन की जो अपनी फर्स्ट लुक है ना वो आ जाती है भाई, तो हम इसको बड़े ही प्यार से रिमूव कर लेते हैं। तो भाई ओ भाई साहब, तो फाइनली हमारा आईफोन 15 प्रो मैक्स ऑन हो गया। मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। और भाई फाइनली हमारा फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो गया है, मैंने इसको सारा सेटअप भी कर लिया है। भाई मैं वो वाली मीम बनाने को दिल कर रहा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है यार। असल में ना जब इस फ़ोन को आप हैंड फील करते हो ना, तो 14 प्रो मैक्स, अच्छा मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे ये चुपता रहा फ़ोन, मतलब जब आप आईफोन 14 प्रो मैक्स विदाउट पाउच के यूज़ करो ना वो चुपता रहा, लेकिन ये बिल्कुल इन्होंने ना साइडों से कर तो नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसा बनाया है कि आपको गुलाई फील होती है साइडों से भी। डिस्प्ले बहुत ज़्यादा कमाल का है, और दो जो चेंजिंग आईफोन ने की है वो मुझे पसंद आई है। एक पसंद नहीं, एक पसंद नहीं बताता हूँ, ये बटन की जो साइलेंट वाला बटन है, और नीचे जो चार्जिंग की है वो तो मुझे पसंद आई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसके नीचे वाली साइड पे आपको दो स्पीकर ग्रिल्स मिल जाती हैं, टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। इस दफ़ा आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स में टाइप सी की पोर्ट मिलती है, बाकी पूरी साइड पे एलुमिनियम का जो है वो आपको फ्रेम मिल जाता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम डाउन की, वॉल्यूम अप की, और साइलेंट के लिए बटन की मिल रही है, वो ट्वाइस वाली नहीं मिल रही, तो ये भी चलिए इस दफ़ा अच्छी चीज़ है। ऊपर वाली साइड बिल्कुल प्लेन है, राइट साइड पे आपको एक वॉल्यूम की मिल जाती है, और आपका बैंड मिल जाता है जो कि आपके सिग्नल्स बैंड होते हैं। उसके अलावा बात कर लूँ बैक की, तो भाई बैक इसकी फुल ग्लास है जो कि आप लोगों को पता है, और फ्रंट भी आपको पता है गोरिल्ला ग्लास है इसका, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये टूटने नहीं वाला इतनी जल्दी। और जो बैक के ऊपर ग्लास है वो फुल मैट में है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो एक फील प्रोवाइड कर रहा है। तीन सेंसर मिल जाते हैं आपको 48 और 12 मेगापिक्सल के, प्लस आपको एक ये वाला सेंसर मिल जाता है, प्लस आपको आपकी एलईडी फ्लैश लाइट मिल जाती है।
तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके वेट के बारे में। 221 ग्राम का जो है वो ये फ़ोन है, और भाई ये 14 प्रो मैक्स से हल्का फ़ोन है, मतलब मुझे नहीं फील हो रहा कि ये बहुत ज़्यादा वज़नी है। तो प्रोसेसर की बात करें तो CPU उसका हेक्सा कोर है, और इसके अंदर A17 प्रो बायोनिक का चिपसेट लगाया गया जो कि 3 नैनोमीटर बेस के ऊपर काम करता है। और भाई प्रोसेसर की तरफ से आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये आईफोन का अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है जो 15 प्रो मैक्स के अंदर है। तो डिस्प्ले की अगर बात कर ली जाए तो 6.7 इंच का इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाता है जो कि है LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले, जो कि नाम तो उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये डिस्प्ले अब तक का सबसे बेहतरीन डिस्प्ले होने वाला है, जिसके अंदर आपको 2000 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, प्लस HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, सब कुछ जो आपको एक फ्लैगशिप हैवी फ़ोन के डिस्प्ले में देखने के मिलना चाहिए वो इसके अंदर सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो इसका डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज के ऊपर काम करेगा। तो भाई आप लोगों को पता है कि आईफोन का 120 हर्ट्ज तो फिर आपको पबजी में ये बहुत शशका में दे देगा। पबजी की भी हम इस पर एक वीडियो बना लेंगे सेपरेट करके, जिसमें हम देखेंगे कि ये पबजी में हमें कौन सी ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है और क्या गेमिंग ये प्रोवाइड करता है। गेमिंग के लिए बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वैसे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे कि गेमिंग में ये फ़ोन कैसा होने वाला है। उसके अलावा अगर इसकी मेमोरी की बात कर ली जाए तो 8GB रैम है, और मुख्तलिफ वेरिएंट्स के अंदर ये मौजूद है, 256GB में भी है, 1TB के अंदर भी है। तो मेरे पास जो इस टाइम ये मौजूद है ये 256GB वाला है, जो कि मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है, मुझे तो इतनी कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो भाई अगर हम आईफोन 15 प्रो मैक्स के कैमरा की बात कर लें तो हमें बैक पे मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का सेंसर और प्लस 12 मेगापिक्सल का सेंसर, फ्रंट वाली साइड पे आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। अभी मैं कैमरे से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो ये है कि मैं इसके कैमरे का प्रॉपर एक रिव्यू करूं, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके फ्रंट कैमरे के अंदर भी आपको सिनेमैटिक शॉट मिल जाते हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्ट टेस्ट करेंगे, अभी मैं आपको नहीं बताने वाला, वैसे आईफोन के कैमरे के बारे में आपको पता ही है, तो हम लोग इसके एक प्रॉपर अलहदा से टेस्ट कर लेंगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा आईफोन 15 प्रो मैक्स का कैमरे के बारे में। तो वो भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे चल के आपको वो भी मिल सके, वो मैं प्रॉपर एक ऐसे तरीके से बनाऊंगा कि आपको हर चीज़ उसके अंदर वाजिया हो जाएगी। उसके अलावा अगर इसकी बैटरी की बात कर ली जाए तो 4852 mAh की बैटरी है इसके अंदर, यानी कि 4852 mAh की बैटरी, जो कि अब तक के आईफोन के जितने आईफोन्स आए हैं सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। तो वो बैटरी इसकी वैसे ही कमाल की होने वाली है, और आईफोन ये क्लेम करता है कि अगर आप 20 वॉट के फास्ट चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो 30 मिनट के अंदर ये 50% चार्ज हो जाएगा, लेकिन चार्जिंग करके हम लोग देखेंगे, मेरे ख्याल में तकरीबन ये 100% डेढ़ घंटे में चार्ज होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है क्योंकि अब आपको एक चार्जर का भी इशू ख़त्म होने वाला है। लेकिन चार्जिंग फिर भी अगर आपके पास 15 प्रो मैक्स है और आप चार्जर लेना चाह रहे तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोशिश करके तो 15 प्रो मैक्स के लिए आप वायरलेस चार्जर ही यूज़ करें, क्योंकि वैसे जो मार्केट में चार्जर आ रहे हैं या वो लोकल है, या मैं लोकल चार्जर को आप लोगों के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने लेना भी है तो फिर आप एप्पल का जेन्युइन अडॉप्टर लेके केबल वो यूज़ करें जो इसके साथ आई हुई है, वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। तो भाई मेरे चैनल के ऊपर 15 प्रो मैक्स ये मेरी लाइफ का अब तक का चैनल पे सबसे बड़ा रिव्यू था, और कोशिश मैं यही करूँगा कि आगे जाके इसका गेमिंग रिव्यू और कैमरा रिव्यू आप लोगों के लिए लाजमी लेके आऊँ। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है भाई आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ यार, एक लाइक कर दिया करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।